हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B के कुछ क्वेश्चंस को। सिंपल से क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इनको ऐड करना है, लेकिन ऐड है किनके? डेसिमल्स के। और डेसिमल्स के ऐड करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स से, और एक छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से, ठीक है ना। तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से देखना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर, जिससे कि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो। ये क्वेश्चन होते तो बहुत इजी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की केयरलेसनेस की वजह से इनमें गलती होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। स्टूडेंट्स उनको कॉलम वाइज अरेंज तक नहीं कर पाते हैं ढंग से। तो ये मिस्टेक आपसे ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी एनर्जी मिलती रहती है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हम लोग भी और बेहतरीन वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। और अब हम ये चाह रहे हैं कि हम आप लोगों को डेली बेसिस पर वीडियो प्रोवाइड कराएं। डेली बेसिस का मतलब है मंडे से लेकर सैटरडे तक वीडियो अवेलेबल कराएं, मतलब डेली अपलोड करें, जिससे कि आपकी जो क्लासेस हैं वो मिस ना हो और आप अपने स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते रहें, ठीक है। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप लोग भी हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, जिससे कि हमारा भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें उसने कहा ऐड करने के लिए। जब बच्चे ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक उनसे हो जाती है, तो हम इसका जो तरीका बताने जा रहे हैं आप उसी तरीके से इसको करिएगा। एक्सरसाइज 3A में मैंने आप लोगों को बताया था लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो पहले इन नंबर्स को हम लोग लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से तो फिर बिना लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किए हुए भी आप उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, जल्दबाजी के चक्कर में पढ़ के क्वेश्चंस गलत मत करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, और मैथमेटिक्स की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स आने वाली नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 पे उसने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 डेसिमल्स दिए हुए हैं, तो इनको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल्स में। और जिन स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 3A को अच्छे से नहीं देखा है या देखा ही नहीं है, तो उनको इसमें प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि लाइक डेसिमल्स को हम इसमें चेंज करने के लिए बता दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, तो लिख देते हैं कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स, कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स के लिए मैंने बताया था स्टूडेंट्स आप लोगों को कि ऐसे डेसिमल्स जिनमें डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लाइक डेसिमल्स। और अगर हमें ऐसे नंबर मिलते हैं जिनमें डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो हमें उसमें जीरो बढ़ा के उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो फिलहाल देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें तो डेसिमल ही नहीं है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स। मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद में हमें 2 डिजिट्स रखने हैं, ठीक है। तो रखते हैं भाई जो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स। पहले हम लोग नोट करते हैं, देखिए 16। अभी मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही कि अगर किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं है तो उसके लास्ट में हम लोग डेसिमल कंसीडर कर सकते हैं। अब लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 डिजिट्स रखने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 जीरोस लिख लेंगे तो हो जाएगा 16.00। फिर देखिए नेक्स्ट क्या था, 8.7। इसमें तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 10 बढ़ाकर हमने इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अगला है 0.94, यहाँ पर तो डेसिमल में पहले से ही, यहाँ पर तो डेसिमल के बाद पहले से ही 2 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट है 6.8, तो यू लिख दिया हमने 6.8, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 10 बढ़ा लिया, 2 डिजिट्स हो गए। फिर देखिए क्या है, 7.77, हमने इनको ऐसे नोट कर लिया, ठीक है। इतना छोटा सा काम करना है लाइक डेसिमल्स में, और अगर आपने इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया तो गलती होने का जो चांसेस है वो 95% तक कम हो जाएंगे, ठीक है ना। 5% आपके ऐड करने में मिस्टेक हो सकती है। चलिए इनको कॉलम वाइज अरेंज करते हैं। तो पहले राइट करेंगे क्या हम लोग, 16.00। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट हमें कॉपी करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर कॉपी करना है, उसको हम कैसे कॉपी करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे। याद रखिएगा
डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के पहले 8 लिखा है हम भी 8 लिख देंगे, डेसिमल के बाद में 70 है तो डेसिमल के बाद में 70 रख दिया। स्टूडेंट्स आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपका क्वेश्चन गलत करा सकती है, इसलिए हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर इसकी बात हमने कर ली, इसकी बात कर ली, अब ये बाकी रह गया डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया। फिर देखिए डेसिमल के बाद में यहाँ पर 9 है, इसके बाद में 4 आ गया, जीरो को हम थोड़ा सा आगे बना लेते हैं, डेसिमल के पहले 0 था, डेसिमल के पहले 0 लगा लिया। इसके बाद एक 6.80 है तो यहाँ डेसिमल लगा लिया, डेसिमल के पहले 6 था उसको नोट कर दिया, डेसिमल के बाद पहला डिजिट 8 था उसके बाद का डिजिट 0 था उसको नोट कर लिया। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर में क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के पहले 7 था उसको नोट कर लिया, डेसिमल के बाद 7 था, फिर से 7 था, सभी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड तो आप लोग कर लेंगे, वैसे देखिए 4711, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर डेसिमल उसके नीचे भी लगाते हैं जिससे कि ईजी हो जाए आपके लिए कैलकुलेशन। 4711 कैरी ऑन 1 1 7 8 8 9 17 17 8 25 25 और 7 32, कैरी ऑन 3 3 6 9 9 8 17 17 6 23 और 7 30, कैरी ऑन 3 3 1 4, तो इसका आंसर आ गया 40.21। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें लाख डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। पहले जल्दी से लिख देते हैं हम लोग कन्वर्टिंग इनटू लाख डेसिमल्स, कन्वर्टिंग इनटू लाख डेसिमल्स। ठीक है, लाख जब हमको लाख डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो पहले देखेंगे डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट्स कितने हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, मतलब है डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं मैक्सिमम। तो पहले उसने नंबर दिया हुआ था 18.6, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 2 जीरोस बढ़ाकर हमने 3 डिजिट मेंटेन कर लिए। नेक्स्ट क्या है 206.37, तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं तो 0 बढ़ाकर 3 डिजिट्स कर लिए। इसके बाद में क्या है 8.008, यहाँ पर तो पहले से ही 3 डिजिट्स हैं। इसके बाद देखते 26.4, तो ये देखिए 26.4, डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है ना, करने कितने हैं 3 डिजिट, तो हमने 20 लगा के 3 डिजिट मेंटेन कर लिए। फिर नेक्स्ट है 6.9, तो 6.9 हमने नोट किया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, 20 से लगाकर हमने यहाँ पर डेसिमल्स मेंटेन कर लिए, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट सिंपली इनको ऐड करना है तो हम आपको यहाँ पर ऐड करके बता दे रहे हैं, आपने फेयर कॉपी में सही से नोट कर लीजिएगा। तो पहले लिखना स्टार्ट करते हैं 18.600, तो लिखते हैं यहाँ पर 18.600। ठीक है, फिर क्या करेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे। अब देखिए भाई डेसिमल के पहले है 6 हमने नोट कर दिया, उसके पहले है 0 वो भी नोट कर दिया, उसके पहले है 2 हमने वो भी नोट कर दिया। ठीक है ना, फिर देखिए डेसिमल के बाद में क्या है, यहाँ पर 3 है, फिर 7 है, फिर 0 है। नेक्स्ट में देखिए फिर से डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के पहले 8 था तो हमने 8 नोट कर दिया, फिर है 008 तो हमने नोट कर दिया 008, पहले डेसिमल ज़रूर लगा लीजिएगा। फिर देखिए भाई 26.400 है तो डेसिमल हमने लगा लिया, डेसिमल के पहले 6 है हमने उसको नोट कर दिया, उसके पहले 2 है उसको भी नोट कर दिया, उसके बाद में हो गया यहाँ पर देखिए 400। नेक्स्ट पे आते हैं तो 6.900 है तो डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के पहले 6 है ये नोट कर दिया हम लोगों ने, फिर लिख दिया यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 टाइम्स जीरोस हो गए। अब इनको सिंपली हमें ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ 0 मेंटेन करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए आ जाएगा 8 7, यहाँ पे आ गया 6 3 9 9 4 13 13 और 9 22, कैरी ऑन 2 हो जाएगा 8 2 10 6 16 16 8 24 24 और 6 हो जाएगा 30 30 और 6 हो जाएगा 36। इसके बाद देखिए कैरी ऑन 3 3 1 4 4 2 6 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 266.278। हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे भी स्टूडेंट्स उसने वही कहा है, तो हम लोग करेंगे क्या लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो लिख देंगे कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स,
कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स, ठीक है, तो इसको भी कन्वर्ट कर देते। देखिए यहाँ डेसिमल के बाद वन डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद वन डिजिट, यहाँ पर टू डिजिट्स, यहाँ पर टू डिजिट्स, मतलब है जब हम लोग लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद में टू डिजिट्स मेंटेन करके चलेंगे। तो पहला था 63.5, तो इसको लिख सकते हैं 63.5, 10 बढ़ा देंगे तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9.7 है, तो 9.7 10 लगा दिया तो टू डिजिट हो गए। इसके बाद है 0.8, तो 0.8 लिखा, 10 बढ़ा के टू डिजिट मेंटेन कर लिए। फिर है 26.66, और इसके बाद में है यहाँ पे 12.17, तो यहाँ पर तो मेंटेन करने कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेंटेन है। तो चलिए फिर इनको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख दिया हम लोगों ने 63.50, ठीक है। इसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, इसमें देखिए डेसिमल के पहले 9 है उसको नोट कर लिया, डेसिमल के बाद में 7 था वो नोट कर दिया, 7 के बाद 0 था उसको नोट कर दिया। नेक्स्ट पे आ गए तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के पहले 0 है, डेसिमल के बाद में 8, उसके बाद में 0। नेक्स्ट पे आते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, उसके पहले देखिए 6 है, उसके पहले 2 है, तो पहले 6 नोट कर दिया, फिर 2 नोट कर दिया, उसके बाद 6 और 6 नोट कर दिया। फिर देखिए 12.17 पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के पहले क्या था 2 उसको नोट कर दिया, उसके पहले क्या था 1 उसको नोट कर दिया। फिर 17 है तो 1 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया, सिंपली अब इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिए 6 7 हो जाएगा 13, कैरी ऑन 1 1 5 6 7 13 8 21 6 27 और 128 डेसिमल यहाँ लगा दिया, कैरी आया 2 अपने पास में, 2 3 5 5 9 14 14 और 6 20 और 2 22, कैरी ऑन 2 2 6 8 8 2 10 10 1 11, तो ये आ गया 112.83 और यही हो गया इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, उसमें भी हमको यही काम करना है, क्या कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स, कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स। स्टूडेंट्स जब तक आपके प्रैक्टिस नहीं हो जा रही है, डायरेक्ट इसको कॉलम में अरेंज करने से बचिएगा, पहले आप उसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद ही कॉलम वाइज अरेंज कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो फिर बिना लाइक डेसिमल्स में चेंज किए हुए भी आप उनको कॉलम में सही से अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको भी चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, मतलब देखिए डेसिमल के बाद में मैक्सिमम 3 डिजिट्स हैं, तो हमें भी डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स बनाने पड़ेंगे। तो चलिए भाई बनाते हैं इसमें फोर्थ नंबर पे, तो पहला 17.4, तो ये हो जाएगा 17.4, टू डिजिट कम पड़ रहे हैं तो 2 जीरोस बना लिए। फिर है 86.39, 10 लगा लिया यहाँ पे। फिर है यहाँ पर 9.435, यहाँ पर 3 डिजिट ऑलरेडी मेंटेन्ड है। इसके बाद में 8.8 यहाँ पर है, तो देखिए डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो यहाँ पर 2 डिजिट्स हम लोग लगा लेंगे, सॉरी 2 जीरोस बढ़ा लेंगे तो हमारे डिजिट्स हो जाएंगे मेंटेन्ड। उसके बाद देख कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, 8.8 तक आ चुके हैं। अगला है 0.06, तो हो जाएगा 0.06, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो हम लोग 10 बढ़ा के 3 डिजिट्स मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। इनको ऐड हम लोग यहाँ पर किए देना स्टूडेंट्स, ठीक है। फोर्थ नंबर को हमने लाइक डेसिमल्स में आकर नोट कर दिया है, सॉल्व यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 17.400, ठीक है। इसके बाद में डेसिमल के नीचे डेसिमल हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, उसके पहले 6 था ये नोट कर दिया, उसके पहले 8 था नोट कर दिया। फिर है 390, तो लिख दिया हमने 390। इसके बाद में क्या था 9.435, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पहले 9 था उसको नोट कर दिया, पॉइंट के बाद में है 435। फिर देखिए नेक्स्ट है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के पहले 8, डेसिमल के बाद में भी 8, फिर 0, फिर 0, फिर देखिए 0.060, तो डेसिमल यहाँ लगा दिया हम लोगों ने, डेसिमल के पहले 0 आ गया, डेसिमल के बाद में क्या है 0, फिर आया 6, फिर आया 0, बस सम कर देंगे। डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लगा दिया, अब इसके बाद देखिए ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5,
9, 3, 12, 6, 18 कैरी ऑन 1, 1, 4, 5, 3, 8, 4, 12, 12, 8, 20 कैरी ऑन 2, 2, 7, 9, 9, 6, 15, 15, 9, 24, 8, 32 कैरी ऑन 3, 3, 1, 4, 8, 12 तो इसका आंसर हो जाएगा 122.085। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स वैसे ही क्वेश्चन है सेम, फिर से राइट करते हैं कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स, कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको भी लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, मतलब हमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स मेंटेन करने हैं तभी लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट होगा। तो पहला था अपने पास 26.9, तो 2 जीरोस बढ़ाकर हमने 3 डिजिट मेंटेन कर लिए। फिर है 19.74, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट 1 जीरो बढ़ा के किए हमने 3 डिजिट। फिर है 231.769, यहाँ पर तो 3 डिजिट ऑलरेडी मेंटेन्ड है। इसके बाद 0.048, यहाँ पर भी 3 डिजिट है 0.048, बस कॉलम वाइज लिख के इनको हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे देखिए 26.900, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, डेसिमल के पहले 9 है उसके पहले 1 है, डेसिमल के बाद में है 7 फिर 4 फिर 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल उसके पहले है 1 फिर है 3 उसके पहले है 2, फिर डेसिमल के बाद में 7, 6 फिर 9, उसके बाद में डेसिमल के नीचे डेसिमल अप्लाई किया, फिर यहाँ पर डेसिमल के पहले है 0, डेसिमल के बाद में 0, 4, 8, बस इनको सिंपली ऐड कर देंगे। 9, 8, 17 कैरी ऑन 1, 1, 4, 5, 5, 6, 11, 11, 4, 15 कैरी ऑन 1, 1, 9, 10, 10, 7, 17, 17 और 7, 24 डेसिमल यहाँ पर लगा दिया, कैरी आ गया 2, 2, 6, 8, 8, 9, 17, 1, 18 कैरी ऑन 1, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 7 हो गया, यहाँ पर आ गया 2 और यही इसका आंसर हो गया 278.457। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वैसा ही है, तो जल्दी से नोट करते हैं कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट, यहाँ पर 1 डिजिट, पर डेसिमल के बाद में मैक्सिमम हमें 3 डिजिट्स मेंटेन करने हैं। तो पहले लिखा हुआ 23.8, तो हम लोगों ने राइट कर दिया इसको 23.8। अब देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, 2 जीरोस बढ़ाकर हमने 3 डिजिट मेंटेन कर लिए। फिर 8.94, 1 डिजिट का हमें डेसिमल के बाद उसको मेंटेन किया। फिर नेक्स्ट है 0.078, ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में। फिर है 214.6, और कितने डिजिट कम पड़ रहे थे, 2 डिजिट अभी कम पड़ रहा है। देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, मेंटेन करना है 3 डिजिट, तो 2 जीरोस लगा दी और यहां पे मेंटेन हो गए 3 डिजिट्स। अब इनको कॉलम वाइज लिख के ऐड कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग ऊपर ऐड किए ले रहे हैं। देखिए 23.800 है, तो लिख दिया हमने यहां पर 23.800। और स्टूडेंट्स आप लोग भी थोड़ा सा अगर गैप देके लिखेंगे तो ऐड करने में आसानी रहेगी। फिर देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, डेसिमल की पहले लिख दिया हमने 1, उसके बाद में है 940। नेक्स्ट को देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, उसके पहले 0, फिर है 078। इसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, उसके पहले है 4, उसके पहले है 1, उसके पहले है 2, इसके बाद में है 600। ऐड करते हैं इनको, आ जाएगा 8, 4, 7, 11 की 1 कैरी ऑन 1, 1, 8, 9, 9, 9, 18, 18, 6, 24, 4 लिख दिया कैरी 2 आ गया, 2, 3, 5, 8, 13, 4, 17 कैरी ऑन 1, 2, 1, 3, 1, 4 और यहां पर आ गया 2। तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 247.418।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत आसानी से पूरे मेथड से सॉल्व कराने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में आपको एक बात और याद दिला दें, हमारा एक दूसरा चैनल है DRS क्लासेस यूट्यूब पर, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के NCERT मैथ्स की वीडियोज़ अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप लोग DRS क्लासेस से NCERT मैथ्स की स्टडी करिए, अजय कोचिंग क्लासेस से RS अग्रवाल मैथ्स की स्टडी करिए और अपने मैथमेटिक्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा अजय कोचिंग क्लासेस के साथ।